Hello everyone. So in this question you have to draw the output waveform for a step input. आपको ये चार RC सर्किट गिवन है, काफी फेमस क्वेश्चन रहता है ये भी, ठीक है? तो एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहले ये वाला RC सर्किट लेते हैं, ठीक है? तो ये RC सर्किट गिवन है, आपको इसको एनालाइज करना है। तो देखो t इक्वल्स टू जीरो पे एकदम बेसिक चीज है ये, तो कैपेसिटर शॉर्ट क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो वी तो इस पे आपका वी आउट क्या आ गया, जीरो। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, अब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देखो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा और जो भी यहाँ पे इनपुट अप्लाइड होगा, जो भी स्टेप वोल्टेज अप्लाइड होगा उसका हाफ आएगा आउटपुट पे, क्योंकि देखो ये ओपन सर्किट तो हुआ है लेकिन ये रजिस्टर वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करेगा, कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा ना। रफ बना लेता हूं मैं, यहाँ वी इन है और ये वी आउट है, तो आपका वी आउट वी इन बाई टू आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस था, रजिस्टर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है? अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो ये जीरो से स्टार्ट होगा और वी इन बाई टू तक जाएगा, ठीक है? ये था वी आउटपुट, ये है वी इन, वी आउटपुट और ये है टाइम। सो जीरो से वी इन बाई टू, ये हो गया पहला सर्किट। अब दूसरे सर्किट की बात करते हैं, तो ये दूसरा सर्किट है। हाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात कि आपको इन सब सर्किट्स में लैपलेस ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, केवल आपका इंट्यूशन होना चाहिए, उसी इंट्यूशन से क्वेश्चन करना है, क्योंकि इस सीरीज का नाम प्रेप फॉर इंटरव्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना मेरा कोई मोटिव नहीं है, मेरे को आपको कॉन्सेप्ट देना यहाँ पे मेरा मोटिव है, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट, जैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट हुआ सर्किट देखो किस तरह बनेगा, कुछ इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे भी इनपुट अप्लाइड है, रजिस्टर शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, मतलब पूरा सर्किट शॉर्ट हो गया। और जब पूरा सर्किट शॉर्ट हो गया तो इस कंडीशन में सर्किट में इनफाइनाइटली लार्ज करंट फ्लो होगी, इनफाइनाइटली लार्ज करंट। और जब कभी भी कैपेसिटर में इनफाइनाइटली लार्ज करंट फ्लो होती है तो कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कौन सी प्रॉपर्टी, वीसी जीरो माइनस इक्वल्स टू वीसी जीरो प्लस वाली। जब कभी भी कैपेसिटर में इनफाइनाइटली लार्ज करंट फ्लो होती है तो कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी वीसी जीरो माइनस इक्वल टू वीसी जीरो प्लस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, और कैपेसिटर में और कैपेसिटर वोल्टेज में अब्रप्ट चेंज होता है, अब्रप्ट चेंज। तो जब कभी भी सर्किट में आपको देखिए इनफाइनाइटली लार्ज करंट फ्लो हो रही है तो उस समय आपको कैपेसिटर की वोल्टेज में अब्रप्ट चेंज करना है। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो इसमें ये वाली कंडीशन है तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, दोनों कैपेसिटर ये सीरीज में जुड़े हैं तो ये दोनों कैपेसिटर इनिशियली वोल्टेज को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे कितना वोल्टेज आ जाएगा, वी इन बाय टू, कैपेसिटर के हिसाब से डिवाइड करेंगे, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, सॉरी सॉरी क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है, सो वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल है इसलिए इक्वल डिवाइड हो जाएगा, सो प्लस वी इन बाई टू और यहाँ पे भी प्लस वी इन बाई टू। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या है आपका t इक्वल्स टू जीरो पे वी आउटपुट क्या आ रहा है, वी इन बाई टू आ रहा है, कैपेसिटर ने अपनी वोल्टेज को डिवाइड कर लिया। यहाँ पे रजिस्टर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है t इक्वल्स टू जीरो पे, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट हो रहे हैं ना, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं ना कि शॉर्ट हो रहे हैं। तो t इक्वल्स टू जीरो पे वी नॉट वी इन बाई टू आ गया। अब इन्फिनिटी पे बात करते हैं, इन्फिनिटी पे क्या होगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा। तो इन्फिनिटी पे देखो कैसा सर्किट बनेगा, रफ सर्किट बनाता हूँ मैं, ये वाला कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, यहाँ पे भी ओपन सर्किट हो गया, ये वीन है, ये वी नोट है, ये आर रजिस्टर है, ये वाला ओपन सर्किट हुआ,
यहाँ पे भी ओपन सर्किट हुआ है। देखो ये भी इन था, ये ग्राउंड था, ये जीरो, ये ग्राउंड यहाँ से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो देखो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज आया, वी सी डैश बोल देते हैं, ये आता है वी इन, पूरा वी इन आ गया ना। और इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जीरो, देखो यहाँ पे भी जीरो था यहाँ पे भी जीरो था, आपका आउटपुट कितना आया जीरो। तो क्या हुआ, आपने वोल्टेज अप्लाई किया वी इन, तो इनिशियली आपका आउटपुट वोल्टेज वी इन बाई टू है और बाद में डिक्रीज होता हुआ जीरो तक पहुंच गया। तो ऐसा बना आपका डायग्राम, तो ऐसा बना आपका आउटपुट वेव। इनिशियली जीरो से लेके, इनिशियली वी इन बाई टू से लेके लास्ट में जीरो तक, ठीक है, ये है वी इन बाई टू, आगे जाके ये इन्फिनाइट पे जीरो हो जाएगा, ये टाइम टी हो गया और ये वी नॉट हो गया। अब देखो सर्किट में हुआ क्या एक्चुअली, देखो आपने वी इन अप्लाई किया, वी इन बाई टू, वी इन बाई टू चार्ज हो गए, फिर बाद में क्या होता है, ये कैपेसिटर रजिस्टर के अक्रॉस जुड़ा है, तो ये जो वी इन बाई टू चार्ज है वो रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, और ये जो कैपेसिटर है वो इस वी इन के थ्रू चार्ज हो रहा है, तो ये चल रहा है। तो इसमें इस अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको वोल्टेज प्लॉट करना होता तो रफली प्लॉट करते हैं, देखो कैसा आएगा, इनिशियली क्या था वी इन बाई टू, बाद में बढ़ के कितना हो गया लास्ट में वी इन, इनफाइनाइट पे वी इन। तो इस सर्किट के अंदर ये वाला कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और ये वाला कैपेसिटर इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हुआ है सर्किट में। अब इसी बेसिस पे आप नेक्स्ट सर्किट को एनालाइज कर सकते हो, एक बार इसको करके देखो आप, रफ में आप बना सकते हो, उसके बाद आप आंसर देना, ठीक है, तो मैं इसको पिक करता हूँ। तो देखो इस सर्किट के अंदर देखो, इसमें एकदम वही सिमिलर कंडीशन है, टी इक्वल्स टू जीरो पे सेम वैसा ही सर्किट बन रहा है, शॉर्ट शॉर्ट इनफाइनेटली लार्ज करंट फ्लो होगी, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे इनको अपडेट चेंज करना पड़ेगा अपनी वोल्टेज में, जीरो से डायरेक्ट वी इन बाई टू तक, ठीक है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा वी इन बाई टू। अब बात करते हैं टी गोज टू इन्फिनिटी पे, इसको शॉर्ट करने से पहले आपको क्या लगता है इसके अंदर, इसके अंदर ये वाला कैपेसिटर इस रजिस्टर के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा इस रजिस्टर के थ्रू, मतलब इसके ऊपर फाइनली जीरो वोल्ट आएगा और इसके ऊपर फाइनली वी इन वोल्टेज आ जाएगा, या फिर इसको शॉर्ट करके देख लो, देखो इसको सॉरी ओपन सर्किट करके देख लो, इन्फिनिटी पे क्या हुआ ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो देखो किस तरह का सर्किट बनता है, ये रजिस्टर है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, तो देखो ये पूरा वी इन यहाँ तक आ गया, तो वी आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है वी इन के इक्वल आ रहा है, और इस वाले टर्म ये कुछ इस तरह का सीन था, सॉरी ये कुछ इस तरह का सीन था, देखो सर्किट में कोई करंट तो है नहीं, यहाँ पे भी वी इन वोल्टेज है यहाँ पे भी वी इन वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना आया जीरो वोल्ट का ड्रॉप आया, तो ये वाला कैपेसिटर जीरो वोल्ट तक पहुंच गया और ये वाला कैपेसिटर चार्ज होके वी इन तक पहुंच गया, समझ गए। तो देखो अगर आपको पूरा फिर से एनालाइज करना हो या फिर कुछ डाउट लगा हो तो आप लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज लेके आप देख सकते हैं, इंटरव्यूज वगैरह में आपको कभी भी लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज नहीं करना होता, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको लगता हो कि क्या चल रहा है सर्किट में। तो ये वी इन बाई टू से स्टार्ट हुआ था और वी इन तक पहुंच गया, अगर बात करें इस वाले कैपेसिटर की तो इसको रफली बना देते हैं, इसमें क्या हुआ पहले वी इन बाई टू था और लास्ट में जाके ये जीरो तक पहुंच गया, तो इसके अंदर ऐसा हुआ है, ऐसा वेव फॉर्म बना है, ठीक है, तो अब सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं, तो आप इसको पहले रफ में कर लीजिए उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, तो आप इस सर्किट को देखो, टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट, और कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो इसका थोड़ा सर्किट बना के देखो आप किस तरह बनेगा,
इन वी आउट, तो देखो वी आउट पूरा क्या गया, वी इन के इक्वल आ गया। ये क्या है, टी इक्वल्स टू जीरो पे, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर ओपन सर्किट, तो आपका जो वी आउट है वो क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट हो गया, तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, वी इन बाई टू तक पहुंच जाएगा, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, बस वी इन से वी इन बाई टू तक जा रहा है। हाँ हो सकता है, जैसे आपको एक डाउट आ सकता है कि इसमें क्यों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ये, क्योंकि ये तो रजिस्टर है, रजिस्टर थोड़ी ना इस तरह करेगा, एक्सपोनेंशियली क्यों डिक्रीज हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर जुड़ा है और कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है, जब कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है तो इसको भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ही होना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? ठीक है, तो वी इन था और वहां से वी इन बाई टू तक पहुंच गया, तो इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा आउटपुट वेव फॉर्म का। और आप इसमें कैपेसिटर पे भी देख सकते हो चार्ज क्या होगा, इनिशियली जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था इनिशियली, उसके बाद क्या होगा, जीरो से लेके वी इन बाई टू तक चार्ज हो जाएगा, और इसमें अब चेंज वाली कंडीशन भी नहीं आई क्योंकि ये शॉर्ट हुआ, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सर्किट में इनफाइनाइटली लार्ज करंट फ्लो होगी, इस कंडीशन में सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, वी नॉट इक्वल्स टू वी इन बाई आर करंट फ्लो होगी, ना कि इनफाइनाइटली लार्ज करंट फ्लो। ओके ठीक है, तो इस तरह बन जाएगा इसका वेवफॉर्म कैपेसिटर वोल्टेज का, जीरो से लेके वी इन बाई टू तक चार्ज हो पाएगी। अच्छा और कोई डाउट आ सकता है? हाँ ये डाउट आ सकता है कि ये इसके थ्रू डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिस्चार्ज तो तब होगा ना जब इसके बाद इनिशियली कुछ वोल्टेज हो, जैसे पिछले वाले केस में कुछ ये वोल्टेज लेके आया था वी इन बाई टू और फिर ये रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हुआ, इसके पास इनिशियली तो कुछ वोल्टेज है ही नहीं, तो पहले ये चार्ज तो होगा एटलीस्ट, तो ये वी इन बाई टू तक चार्ज हो गया। अब मान लो उसके बाद आप वी इन को शॉर्ट कर देते हो, तो उसके बाद ये कैपेसिटर आपके दोनों रजिस्टर के पैरेलल में आ जाएगा और उस दोनों रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ठीक है, पहले का ये वेव फॉर्म था, दूसरे का ये आउटपुट वेव फॉर्म था, ये वेव फॉर्म था और ये वेव फॉर्म था, और सभी हमने बिना लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज किए गए और ना ही कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया। ठीक है, तो इफ यू डिसलाइक द वीडियो प्लीज लीव अ सजेशन फॉर मी सो दैट आई कैन इंप्रूव। थैंक यू।